उत्तराखंड प्रदेश में गन्ने का पेरोई सत्र शुरू होने के बाद भी अभी तक उत्तराखंड सरकार द्वारा गन्ना का मूल्य घोषित न किए जाने से किसानों में भारी रोष है। जनपद हरिद्वार में गन्ना पेरोई सत्र शुरू हो चुका है और किसान शुगर फैक्ट्रियों में अपना गन्ना डालने के लिए कतारों में खड़े हुए हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक किसानों के गन्ने के भाव पर कोई चर्चा नहीं की है, जिससे किसान यूनियन ने कड़ा विरोध जताया है और प्रदेश सरकार पर किसानों का शोषण किए जाने का आरोप लगाया है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश गढ़वाल अध्यक्ष संजय चौधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अभी तक किसानों के गन्ने का भाव घोषित नहीं किया है, शुगर मिल चुकी है, किसान बिना भाव के ही अपना गन्ना फैक्ट्रियों को देने को मजबूर है, लेकिन प्रदेश सरकार ने अभी तक इस पर कोई चर्चा नहीं की है। किसानों के गन्ने का भाव अभी तक घोषित नहीं किया गया है, जबकि हरियाणा पंजाब में 380 रुपये गन्ने का मूल्य घोषित कर दिया है, लेकिन अभी तक प्रदेश सरकार ने कोई घोषणा या सूचना जारी नहीं की है। प्रदेश में बढ़ती महंगाई और किसान की लागत को देखते हुए प्रदेश सरकार को गन्ने का अन्य राज्यों से अधिक करना चाहिए मूल्य और सरकार की नीति किसानों के खिलाफ है। ये सरकार केवल किसानों का शोषण करने में लगी हुई है। सरकार को चाहिए कि जल्द किसानों के गन्ने का मूल्य घोषित करे। मंगलोर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। गन्ने के भाव पर इन सरकारों का ध्यान नहीं है, सरकार तो किसानों को मिटाने पर लग रही है। ये तो हमने गाजीपुर बॉर्डर पर 11 महीने आंदोलन करके 13 महीने तो हमने अपनी जान बचा ली। ये सरकार तो सारी जनता खा जाएगी एक तरह भाई। वह गोदाम थे अडानी के बड़े बड़े, आज में फिर शुरू करने उसने उन्हें शुरू करने जा रही है, तो सारा अनाज उसमें स्टोर हो जाता। एक गरीब जो किसान मजदूर है उसकी रोटी के लल्ले पड़ते, रोटी पर कब्जा करना चाह रहे हैं, तो किसान की कोई सुविधा नहीं दे रहे। हरियाणा में पंजाब में जो 380 रुपये गन्ने का रेट हो गया, तो हमारा रेट पहले पूरे देश में सबसे ज़्यादा जब निशंक था मुख्यमंत्री, तो हम धामी जी से कह रहे करो सारे देश में नाम करके फालतू करके तो अपना नाम कर।